भोपाल के शाहजानी पार्क में आते तिब्बतवानों का अनिश्चितकालीन धरना 65वें दिन भी जारी है। वहीं अपने साथी संजय कुमार के सुसाइड के बाद अति तिब्बतवान अब और भी आक्रोशित हो गए हैं। उनका कहना है कि सरकार हमें अनसुनी कर रही है, यही वजह है कि अति तिब्बतवानों पर आर्थिक संकट गहराने लगा है, जिससे परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है। इसी के चलते अब हम आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं धरना स्थल पर अतिथि विद्वानों ने अपने साथी संजय कुमार को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को आर्थिक सहायता के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अतिथि विद्वानों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज अनिश्चितकालीन धरने का 65वां दिन है। राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क में प्रदेश भर के अतिथि विद्वान जो शासकीय कॉलेजों में कार्यरत हैं, वो लगातार धरने पर बैठे हैं। सर, ये संजय कुमार ही नहीं, हमारे करीब 3 से 4 साथी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। 2 साथियों के बच्चे, 2 साल का बच्चा और 1.5 माह का बच्चा, जो इलाज के अभाव में, पैसा नहीं मिला, 8 महीने से वेतन नहीं मिला, उनके अभाव में उनके बच्चे भी जा चुके हैं। कुछ साथियों को पैरालिसिस हो चुका है, कुछ साथी बहुत मानसिक संकट से अभी भी विषम गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो ये एक ही नहीं, सभी की यही हालत है। बच्चे को लेकर बैठना पड़ रहा है इसी के भविष्य की खातिर। हाँ सर, इसी बच्चे की भविष्य की खातिर हम यहाँ बैठ रहे हैं। अभी सरकार ने हमसे नौकरी छीन ली है, अब हम अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण करेंगे। एक सर ने हमारे बच्चों की खातिर ही अपनी आत्महत्या कर ली। सरकार फिर भी इतनी निष्ठुर है कि वेतन डालती है लेकिन डाटा डालती है कि बजट आ गया लेकिन पेमेंट नहीं होता है। ये देखिए कहाँ तक शोषण कर रही है गवर्नमेंट। बैठे रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होती। हाँ सर, हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग। बार बार की लड़ाई है। हाँ सर, आर पार की लड़ाई है। वाकई में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अतिथि विद्वानों का धरना कब खत्म होगा। ये इस समय बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कैमरामैन अनु सुजाने के साथ प्रमोद शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।